हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिस्टी किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैदे की मट्ठी। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, नमक लिया है, फ्रेंड्स ये मेथी की पत्ती है, मैंने इसको सुखा लिया है, अजवाइन, रिफाइन। तो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं इसको बनाने। तो सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसके बाद मेथी डालेंगे। मेथी को हल्का सा हम क्रश करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, नमक, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। रिफाइन डालेंगे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से रिफाइंड इसमें मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सख्त डो बनाएंगे। पानी हम गुनगुना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसका मट्ठी बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आप इसको बेल के भी बना सकते हैं, पर बजाज जैसा टेक्सचर इसमें नहीं आएगा। इसी तरह हम सारे मट्ठे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे मट्ठे मैंने बना लिया है और तेल गरम हो चुका है। अब एक एक करके हम इसमें डालेंगे। गैस को मैंने मीडियम पे ही रखा है क्योंकि हमें धीमी आंच में पकाना है इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हल्का हल्का फ्राई हो रहा है। भी हमें 5 से 6 मिनट इसको और पकाएंगे, पर गैस को आप मीडियम पे ही रखना, क्योंकि अगर आप तेज कर देते हैं गैस तो ऊपर तो पक जाएगा फ्रेंड्स, पर अंदर से ठीक से नहीं पकेगा। तो यहाँ पे मट्ठी अच्छे से माई फ्राई हो चुकी है।
अब इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी मट्ठी बनके रेडी हो चुकी है, आपको दिखा देते हैं। काफ़ी क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से अंदर भी पका हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, पहली बात तो आप अच्छे से इसमें रिफाइंड डालिएगा और इसको धीमी आंच में पकाइएगा, तो मट्ठी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स